नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जहां डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा को वेटिंग में रखा गया है। बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को फिलहाल हटा दिया गया, उनको वेटिंग में रखा गया है और राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि किसी भी तरीके की खिलवाड़ या लापरवाही बरती नहीं जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराया जाएगा और ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया है और राजीव कृष्णा को ये जिम्मेदारी दी गई। राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड की अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा को वेटिंग में रखा गया और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एक्शन लिया गया और भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया गया। रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है, उन्हें वेटिंग में रखा गया है और नई जिम्मेदारी राजीव कृष्णा को दी गई है। डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा को वेटिंग में रखा गया और राजीव कृष्णा को इसकी नई जिम्मेदारी दी गई है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि यूपी पुलिस बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद खूब प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया था और इसके बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि ये परीक्षा अगले 6 महीने में दोबारा कराई जाएगी। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके बाद यह एक्शन लिया गया है, जहां डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा को वेटिंग में रखा गया है। बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को वेटिंग में रखा गया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेणुका मिश्रा को हटाया गया, बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया है। तो भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा हैं, जिन्हें फिलहाल एक्शन लेते हुए हटाया गया। राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा को वेटिंग में रखा गया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया गया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, बड़ा एक्शन लिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि इस पूरे मामले पर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर बोर्ड अध्यक्ष को हटा दिया गया है, नई जिम्मेदारी कृष्णा जी को मिली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संबंधित ऐसे अधिकारियों पर एक्शन जारी है जो पेपर लीक मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही के दोषी हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, पूरा भार था कि परीक्षा को शुचिता और पारदर्शिता के साथ कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत कड़े शब्दों में पेपर लीक करते समय निर्देशित किया था कि जो भी ऐसे ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। उन ऑफिसर्स को भी स्पष्ट तौर पर मैसेज मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था कि आप अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को उस तीव्रता के साथ नहीं निभाएंगे जिससे कि सरकार चाहती है, तो एक्शन आपके ऊपर भी होगा। और सीधे तौर पर वो एक्शन अब जमीनी स्तर पर दिखाई दिया जा रहा है। सीधे तौर पर डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड रही रेणुका कुमार को मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश के बाद फिलहाल प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है। मतलब साफ है कि उनको अब कोई भी चार्ज तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश नहीं होगा। उनको फिलहाल वेटिंग सूची में डाल दिया गया है और उसके अलावा इस चार्ज को दूसरे
डीजी को दे दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट तौर पर निर्देश है और इस निर्देश के जरिए कहीं न कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और उसके निर्देशों के अनुक्रम में काम नहीं कर पाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। रेणुका मिश्रा को प्रतीक्षारत करने के साथ ही राजीव कृष्ण जो की वर्तमान में डीजी निदेशक सतर्कता है, उनको उत्तर प्रदेश डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड का चार्ज अतिरिक्त तौर पर दे दिया गया है। तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ था तो कंट्रोलर हटा दिए गए थे, उनको भी उनके पद से हटाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट भेज दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन है, जो कि अगर हम उस प्रशासनिक पेपर की बात करें जो कि यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से कराया जा रहा था, उस एक्शन में अजय कुमार तिवारी को हटाया गया था। और ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पष्ट मैसेज उन अधिकारियों को दे दिया है कि आप डीजी जैसे बड़े पद पर भी बैठे होंगे, लेकिन अगर आप शुचिता और पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने में कहीं न कहीं लापरवाही बरतेंगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये प्रतीक्षा रख करना बिल्कुल इसके बाद में एक अपारदर्शिता। दूसरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कहा था कि किसी भी तरीके के अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है ये योगी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी उनके एक्शन द्वारा ये देखा जा रहा है। इसके बाद में आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास।